इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के इवेंट्स, इसके तीन इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले हमें आनी है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत गैमिटोजिनेसिस प्रोसेस व गैमिट फॉर्मेशन आता है। गैमिटोजिनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत गैमिट को फॉर्म किया जाता है। गैमिट मेल व फीमेल गैमिट्स होते हैं। गैमिट्स हैप्लोइड होता है। सीधे हमें ये भी जानने की आवश्यकता है, यदि गैमिट्स में सिमिलरिटीज हो मेल गैमिट्स व फीमेल गैमिट्स, तो वह आइसोगैमिट्स कहलाता है, जैसे कि नीचे बताया गया है। यदि मेल गैमिट्स व फीमेल गैमिट्स में सिमिलरिटीज हो तो वह होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम ये जानेंगे कि क्लैडोफोरा, जिसमें मेल व फीमेल गैमिट्स में सिमिलरिटीज हैं। हमें अगले क्रम में ये जानना है, यदि मेल व फीमेल गैमिट में डिससिमिलरिटीज हो तो वह हेट्रोगैमिट्स कहलाता है, जैसे कि मनुष्य का ओवम व स्पर्म। इसी प्रकार ये फ्यूकस एल्गी की ये ओवम व स्पर्म दोनों में डिससिमिलरिटीज हैं, ये हेट्रोगैमिट्स हैं। हमें अगले क्रम में आनी है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म में गैमिट फॉर्म होता है तथा गैमिट का फ्यूजन होता है। हम सीधे प्लांट के केस में आएंगे। प्लांट्स में, यदि प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर व फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों धारण किया हो तो वह प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहलाता है। हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी जानेंगे कि ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों किसी एक ही प्लांट्स में हो, मोनोओसियस प्लांट्स कहलाते हैं। तथा दूसरे क्रम में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों में से कोई एक ही एक प्लांट्स में धारण किया हो तो वह यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहलाता है और वह डायोसियस प्लांट्स होते हैं। हमें यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि मोनोओसियस प्लांट्स कौन कौन से हैं। मोनोओसियस प्लांट जैसे कि कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, जैसे कि कुकुरबिट्स जैसे कि कद्दू हो गया, कुकुरबिट्स होता है कोकोनट। अगले क्रम में हमें ये जाननी है डायोसियस प्लांट्स। डायोसियस प्लांट्स जो है जैसे कि पपाया और डेट पाल्म, पपाया पपीता हो गया, डेट पाल्म खजूर हो गया। हमें इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछता है डायोसियस प्लांट्स व मोनोओसियस प्लांट्स की एग्जाम्पल। मोनोओसियस प्लांट्स में आएंगे, मोनोओसियस प्लांट्स के अंतर्गत जैसे कि वॉलनट, अखरोट, कुकुम्बर, खीरा, मेज, मक्का, इस प्रकार से मेलोन, तरबूज, इसके अलावा कुछ और भी लिस्ट नीचे दिए गए हैं। डायोसियस प्लांट्स के बारे में आएंगे, डायोसियस प्लांट में जैसे कि पपाया, कीवी फ्रूट, स्पाइनेच, पालक, डेड पाल्म, खजूर, इसके अलावा नीचे लिस्ट दिया गया है। सीधे हम बुक में आते हैं। अब हम सीधे एनिमल्स में आएंगे। एनिमल्स में ऐसे एनिमल्स या जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाए, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहलाते हैं। सभी ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। कॉकरोच भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसी एक ही एनिमल्स में पाया जाए तो वह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अर्थवर्म, स्पंज,
तथा टेपवर्म लीच बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को ही हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हमें थोड़ा चित्र से समझना होगा, जैसे कि यह अर्थवर्म है, इस अर्थवर्म में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस व फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओवरी दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए यह बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा। जबकि कॉकरोच की बात करेंगे, इस कॉकरोच में मेल कॉकरोच में टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, फीमेल कॉकरोच में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओवरी चूँकि अलग अलग हैं इसलिए यह यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। अगले क्रम में हमें आनी है, सी में आना है, कारा की बात करेंगे, चूँकि मोनोसियस प्लांट्स हैं अर्थात जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उगोनियम तथा मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम पाया जाता है, इसलिए यह मोनोसियस प्लांट्स हैं। अगले क्रम में हमें आनी है, डी में आनी है, और डी में मार्केंसिया। मार्केंसिया में फीमेल थैलस हैं, फीमेल थैलस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्कियोगोनियम 4 तथा मेल थैलस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियो 4, चूँकि दोनों अलग अलग सेक्स ऑर्गन हैं अर्थात यह डायोसियस प्लांट्स हैं। अगले क्रम में आना है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, स्वीट पोटैटो में, चूँकि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तथा यह मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं अतः यह डायोसियस प्लांट्स हैं। हमें अगले क्रम में जानना है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। कई सारे ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सभी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में होते हैं। यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होने वाले जो सेल डिवीजन होता है वह माइटोसिस होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन के अंतर्गत बनने वाले जो न्यू जो सेल्स हैं वह सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जबकि ऐसे कई प्लांट्स हैं जो कि डिप्लोइड स्ट्रक्चर में होते हैं, डिप्लोइड स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म, ये सभी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर में होते हैं। डिप्लोइड स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में गैमिट फॉर्मेशन जब होता है तो होने वाले जो सेल डिवीजन है वह मियोसिस होता है। मियोसिस कहने का तात्पर्य रिडक्शनल सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। हमें इसको थोड़ा विस्तार से समझनी है। सीधे हम आएंगे डायग्राम में, हमें ये जानना है कि ये सभी ऑर्गेनिज्म हैं। इस ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम है वो 46 है, 2n मीन्स होता है डिप्लॉइड, और यह कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है अर्थात इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम हैं। और यदि गैमेट्स जब बनता है तो उस गैमेट्स में रिडक्शनल सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और गैमेट्स में जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो केवल 23 ही रह जाती है, जिसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे सिंगल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से हाउस फ्लाई की बात करेंगे, जिसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम है 12, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाएगा 6। इसी प्रकार से रेट का यहाँ पर दिया हुआ है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर दिया है 21, तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे ऑर्गेनिज्म का आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।